वेलकम टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स इन माई यूट्यूब चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार। देखिए आज हम एनसीईआरटी से 13 चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी फोटोसिंथेसिस इन हाइयर प्लांट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो देखिए जान लेते हैं कि हम आज इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट डू वी नो, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स एंड वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, हाउ मैनी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, फिर है व्हाट इज लाइट रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड, फिर इसके बाद C4 पाथवे और फोटो डिस्पायरेशन, देन फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक फिजियो केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि H2O का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। सबसे पहले यूबैक्टीरिया में देखा गया था फोटोसिंथेसिस, और ट्रू फोटोसिंथेसिस है जो कि BGA ब्लूग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया में देखा गया था। ठीक है, तो ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स ऑन देयर फूड्स। हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट देयर फूड्स? तो सबसे पहले बात यह है कि सभी प्राणी, कोई भी हो, मनुष्य भी अपने आहार के लिए पौधों पर निर्भर है। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे अपना आहार कैसे प्राप्त करते हैं, पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो ग्रीन प्लांट्स इन फैक्ट हैव टू मेक द रादर सिंथेसिस द फूड दे नीड, एंड अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देम फॉर देयर नीड्स। यानी कि जो हरे पौधे हैं वे अपना आहार संश्लेषित करते हैं और अन्य जीव, सभी जीव हैं, उनकी आवश्यकता के लिए उन पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो हरे पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषित करते हैं। यह एक ऐसी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अल्टीमेटली ऑल लिविंग्स फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाई प्लांट डूइंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस इज ए इम्पॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन। इट इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ, एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन टू एटमोसफियर बाई ग्रीन प्लांट्स। तो दरअसल बात यह है कि कुल मिलाकर पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीवों, जितने भी जीव हैं, ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं। पौधे और प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की गई सौर ऊर्जा जो होती है पृथ्वी पर जीवन का आधार है, और प्रकाश संश्लेषण के महत्वपूर्ण होने के दो कारण हैं। यह पृथ्वी पर समस्त खाद्य पदार्थों का प्राथमिक स्रोत है, साथ ही साथ में ये वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ता है। ठीक है, हैव यू एवर थॉट दैट वाट वुड हैपन्स इफ देयर वर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ? दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फोटोसिंथेटिक मशीनरी एंड द वेरियस रिएक्शन दैट ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ना हो तो क्या होगा? इस चैप्टर में हम फोटोसिंथेसिस की मशीनरी और विभिन्न प्रक्रियाओं के विषय में डिस्कस करेंगे, बताया जाएगा, जो कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू वी नो, कि हम किस तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और ग्रीन प्लांट है, और सूर्य की लाइट है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और कहा गया कि आँखों में मंजिल थी गिरे और गिरकर संभलते रहे, आँखों में मंजिल थी गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने भी लाख कोशिश की मगर चिराग आनियों में जलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।